अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह की बहन भी खैरियत से है। वही वेलकम है जी आपका नए मज़ेदार किस्म के व्लॉग के अंदर, और व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इस तरह के जी, ये पिछले व्लॉग का ही पार्ट है, लेकिन वो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ये पार्ट अलग से ही आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसमें क्या है, आज ये मैंने की है घर की थोड़ी सी छांटी, ठीक है, तलाशी ली है जो बच्चियाँ और जो मैरिड लड़कियाँ जो अपने मेके आती हैं, आप लोगों को बेहतर पता है, और वो घर आकर अपने घर को ऐसे देख रही होती तरसे तरसे नज़रों से। और अगर उनकी स्पेशली एक बहन अनमैरिड हो ना, तो वो उनके सामान में घुस घुस कर चीज़ें निकाल निकाल के देख रही होती हैं कि भाई इनकी क्या रंग बिरंगी चीज़ें हैं, और जो चीज़ अच्छी लगती है वो उठा के और ले जाती हैं। तो सेम एज कि मेरी भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है आज कल की, कि कुछ टाइम रह गया मेरा मेके के अंदर और जिसके बाद मैंने चले जाना है अपने घर वापस, ससुराल में वापस। तो जी हाँ, मेरे हाथ लगे ये एक छोटा सा ब्यूटी बॉक्स जो कि एक डब्बे की सूरत में था और अम्मी जान का था, ऊपर छत पे ही रखा हुआ है ऊपर वाले रूम में जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा छीला चल रहा है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला छीला है मेरा। तो जी वहाँ पे उसमें जो मैंने ओपन किया तो इतने मज़े मज़े के लिपस्टिक्स और ये लिप ग्लोज मुझे मिले जो कि मुझे सीरियसली बहुत अच्छे लगे। और मेरा दिल किया था कि इन सबको मैं छप्पर कर लूँ, मीन्स कि इन सबको मैं ले जाऊँ अपने साथ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ लिपस्टिक्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लिपस्टिक्स के कलर से शेड बहुत ज़बरदस्त थे, तो मैंने कहा चलें जी आज एक ज़बरदस्त सब लोग छोटा सा मिनी सा बनाते हैं और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लिपस्टिक के शेड दिखाती हूँ जो अम्मी जान के इस बॉक्स के अंदर थे। और क्योंकि शादी के बाद जब लड़कियां घर आती हैं ना, सीरियसली उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि घर के एक कोने के अंदर घुसना और चीज़ें ढूंढना कि क्या से क्या चीज़ इसमें नहीं आई है घर में, क्या चीज़ मम्मी ने ली है, क्या चीज़ भाभी ने ली है और क्या चीज़ सिस्टर ने ली है, चलो भाई उसको अच्छी तरह देखें। तो खैर मुझे यहाँ लिपस्टिक्स के जो ये शेड थे ना, मुझे बहुत प्यार लग रहे थे। ये लिप ग्लोज थे, बहुत ज़बरदस्त शेड थे, मुझे डार्क शेड बहुत ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक्स में भी और लिप ग्लोज में भी, बिकॉज मैं क्रेज़ी हूँ सीरियसली लिपस्टिक्स के लिए। कुछ ऐसी गर्ल्स होंगी जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होंगी मेरी तरह, जो मेकअप को इतना प्रेफर नहीं करती होंगी लेकिन लिपस्टिक्स को करती होंगी, सेम एज मी। तो बस यही सिचुएशन है थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलें जी आप लोग शेयर करते हैं। और इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे यार, ये देखें कितना हसीन चॉकलेटी कलर है, बहुत ही यम्मी, दिल करता खा जाऊं। और इसके अलावा मेडोरा की लिपस्टिक्स के कलर भी हैं जो आगे आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बस मैंने ना अम्मी जान का सोचते हुए ये सब कुछ वापस रख दिया कि यार मेरी माँ जी की हैं छड्डो पे, वरना सीरियसली मेरा तो दिल कर रहा था इसमें से छप्पर करने का। लेकिन आप लोगों को मैं अपनी सिस्टर के भी नेल पेंट का नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेल पेंट भी दिखाऊंगी, उसके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है नेल पेंट्स की। उसके बाद ज्वेलरी की बड़ी कलेक्शन है मेरी सिस्टर के पास, तो मैं कहा चले आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को कैसी लगेगी आप लोग बताइएगा। उसके अलावा लिपस्टिक्स और लिप ग्लोज की भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, वो कुछ कुछ मतलब बेसिक्स चीज़ें हैं जो उसे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे लिप ग्लोज हो गए, लिपस्टिक्स हो गई, हर लड़की के अलग अलग शौक होते हैं, तो सेम एज मेरी सिस्टर के भी शौक अलग अलग अनोखे अनोखे हैं। और एक उन्हें नेल्स का ही बड़ा शौक है जो कि उन्होंने दराज से मंगवाए हैं आजकल, जो नेल फेक नेल्स के मतलब पैक आ रहे हैं, तो वो वाले मंगवाए, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस चीज़ का। तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, सारा कुछ शेयर करूँगी, लेकिन जितना व्लॉग मुझसे मतलब पॉसिबल होगा 4 से 5 मिनट का, उतने व्लॉग में चीज़ें ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा बड़ा व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी, बिकॉज ज़्यादा बड़ा अपलोड हो भी जाता है तो वो भी कम लोग देखते हैं और छोटा अपलोड हो तो वो भी कम लोग देखते हैं, व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं छोटा इसलिए डालती हूँ ताकि ईज़िली सब देख लें और कोई देखे तो उसे अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी लाजमी करें, अगर बड़ा डालूंगी तो लोग बोर होकर चले जाएंगे, तो ये सीन है। तो आप लोगों को अगर कोई भी मेरा व्लॉग अच्छा लगे, मज़ा आए, तो लाजमी आपने कमेंट करना है, अपनी बहन को लाइक एंड फॉलो लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है, मज़ा आ जाएगा फिर तो, और मेरी फैमिली का छोटी सी नन्नी मुन्नी फैमिली का पार्ट बन जाए। और यहाँ मेडोरा के लिपस्टिक कलर मैं आपको शो कर रही हूँ कि बहुत ही प्यारे मेडोरा के लिपस्टिक कलर हैं, और ये अम्मी जान ने रिसेंटली बाय की हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कलर्स हैं, इसलिए इनकी पैकेजिंग बिल्कुल न्यू पड़ी अभी तक, ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत प्यारी जो माएँ होती है ना, बड़े कोई तरीके से चीज़ें रखती हैं, तो ये बहुत प्यारे कलर्स हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा भी प्लान है मेडोरा के लिपस्टिक के कलर यहाँ के यहाँ से लेकर जाने का, खैर जब मैं घर जाऊँगी अपने तो इंशाल्लाह आपके साथ अपना भी जो ड्रेसिंग टेबल है तो उसका भी टूर आपके साथ शेयर करूँगी, कि बहुत ज़बरदस्त मेरी वैनिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर मैं यहाँ भी अगर हूँ, छीला कम्प्लीट होने वाला, जिसने मेरे पिछले व्लॉग नहीं वॉच किए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, न्यू मॉमीज से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं, बेबी से रिलेटेड
रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं और मेरी डिलीवरी का व्लॉग, तो लाजमी वॉच कीजिएगा जाके। अगर कोई व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आई थिंक ये लास्ट वाला है मेरे ख्याल से, या अभी रहते हैं 4 कलर्स थे तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, 4 थे या 5 थे, लेकिन कलर्स सारे ही बहुत हसीन थे। अगर इसमें से कोई भी शेड आपको अच्छा लगा हो, मेरे हाथ पे लगा हुआ, क्योंकि मैं लिप्स तो यहाँ आपको दिखा नहीं रही, हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, कोई भी अच्छा लगा हो तो लाजमी आपने कमेंट करना है। और कमेंट लाजमी क्या करें, जो भी न्यू आता है और जो न्यू आने वाले उन सबका वेलकम है जी मेरे व्लॉग्स पर। मेरी फैमिली बन रहे हैं आप, मेरा बहुत अच्छा आप लोगों के साथ रिलेशन बन रहा है। और बस मुझे दुआओं में याद करना है। इंशाल्लाह जल्द ही मैं बेबी का फेस रिवील भी करवाऊंगी और बेबी का नेम भी बताऊंगी, जेंडर भी बताऊंगी। तो बस मेरे साथ रहें, बने रहें और मज़े मज़े के व्लॉग इंशाल्लाह घर जाके आपको रूटीन से मिलेंगे। यहाँ थोड़ी सी ये है कि बस मम्मा के घर हूँ तो फिर सेम सिचुएशन तो आपके सामने है। कुछ मेरी ऐसी सेक्शन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। और यहाँ बस मैंने सब कुछ वाइंड अप किया। अल्लाह हाफिज़।